अब उस मौला के नाम से इब्ता उस मौला के नाम से इब्ता जिसके नामों की कोई इंतहा नहीं है बल्ब कमाल कशफ़त दुजा बिजाल हसनत जमी ख़ुस वल सलील तसल् मोहत महतरम नाजन करामक वरम वक्स उम्मीद से इस तवक़ु से इस बज़म का वार् आगाज़ करते हैं के अल्ला रब्ज़त रब के फजल करम और ताजदार मदीना राहत कल्बसना साहिब मतर पसीा जनाब महमद मुस्तु वसलम के सदक़े आप खैर वाफियत से होंगे नाजरीन एक मुलाकात प्रोग्राम है एक मुलाकात प्रोग्राम में आपका हम दिल के अतः गहराइयों से खैर मकदम करते हैं आज एक मुलाकात प्रोग्राम में हमारी खुशनसीबी है कि आज आपकी मुलाकात एक सनाखान मुस्तफ़ा सल्ला वसलम से करवा रहे हैं न सिर्फ़ आप एक शनाख़ा है, बल्कि बैक वक्त आप एक प्रोडक्शन हाउस के डायरेक्टर भी हैं कम उम्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत फजल करम रहा है नबी पाक वसल्लम का सबका रहा है कि अभी से ही आपका नाम रोशन है दुनिया भर में बस यही दुआ है कि अल्लाह इज़्ज़त आपको कामयाबी اور, uh, और कामयाबी मजीद कामयाबी और कामरानी अता फरमाए आमीन सुमीन आइए हम अपने मेहमान से मुलाकात करते हैं जो खास पाकिस्तान से तश्रीफ लाए हैं आप हैं जनाब हाफिज़ कमरान कादरी साहब हाफिज़ कमलान अलक वरम मिजाज कैसा है सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप एक मुलाकात प्रोग्राम में आए और उम्मीद करते हैं कि इस मुलाकात को अल्लाह तबारक वाली के दरबार में अल्लाह उसको अता फरमाए आमीन हाफ़ी साहब गुफ्तगू को तो हो, होती रहेगी क्योंकि एक मुलाकात ही प्रोग्राम जी, जी, की नौीयत कुछ इसी तरह है कि हम अपने मेहमान से मिलते हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में प्रोफेशनल लाइफ के बारे में और जिस फील्ड से जिस शोबे से उनका ताल्लुक है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं मगर मैं चाहूँगा कि बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ कलाम कलमपा किचन आयत मुबारक की سے سيكري. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من انفسكم no. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحان الله سبحان الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ما شاء الله امنت بالله صدق الله العظيم تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله الله كمران قادر صاحب الحمد لله اپ <سؤال> کے نام के साथ हाफिज़ जुड़ा हुआ है अलहद अब जरा हम नाजिम को बताएँ कि ये ये सिलसिला हिफ्स करने का सिलसिला किस तरह शुरू हुआ अलहद जवजल मेरे माँ बाप का बहुत ही बड़ा हाथ है इस चीज़ में और जाहिर सी बात है हर बच्चे के साथ उसके माँ बाप की दुआएँ भी शामिल होती जी। हैं और मेहनतें भी होती हुँ। हैं हुँ। तो चार साल की उम्र से अलहदुल्ला दावत इस्लामी के मदरसे इब्तदाई तालीम शुरू हुई जिसमें कुरान शरीफ और कायदे से अलहम ने शुरू किया इसके बाद कुरान शरीफ़ की तरफ़ आए नाज़रा हुआ फिर इसके बाद कुरान शुरू किया और साढ़े आठ साल की उम्र में अलहमदिल्ला अपना हिफ़ुल कुरान मुकम्मल किया और जो कुरान का जो दौर था और जो वक्त था वो अलहमदिल्ला कमो बेश आठ महीने या साढ़े आठ महीने में अलहमदिल्ला हिफ़ुल्र मुकमल हुआ और उसके बाद फिर ऐसा दौर चलता गया फिर जाहिर सी बात है कुरान शरीफ हिफ़्स करना दरअसल हिफ तक महदूद नहीं है उसके बाद फिर आपको वह दौर करना, करना पड़ता है।, है सारी ज़िंदगी जब हयात है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आलमीन की तरफ से कि एक जो तहफा है जो अपने बंदों को देता है तो हिफ़्जल कुरान उसके साथ साथ अभी तक वह दौड़ चलता रहा है और इन उम्मीद है अल्लाह पाक कर्म करे ताद में हयात ये दौर चलता रहे बिल्कुल मेरे आमीन बस यही दुआ है कि आखिरी सांस तक बेशक, ये दौर चलता रहे इंशाल्लाह अह हफी साहब पहली मर्तबा आप जिलम रौशन में تشریف हाँ। लाए हैं इसके बारे में हम बात करेंगे दौरान जी, जी। प्रोग्राम हाँ। आ, आपका ताल्लुक खास तौर पर नाथखानी से है जी अल्हम्दुलिल्लाह और अलहद फेसबुक पर भी हैं आप यूट्यूब पर भी हैं तो जरा नाजिन को बताएं नात ख़ानी का सिलसिला इसका आगाज कहाँ से हो नात खानी का सिलसिला थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी। जब मैं चार साल का था जब मदर साहब मेरा स्टार्ट ही हुआ था तो हम लोग अपने रिलेटिव्स के घर में थे और मैं बहुत शरारत क्या करता था उस जमाने में मेरे बचपन का जमा कुछ ऐसा होता है हाँ तो हम अपने रिलेटिव्स के घर में थे आई थिंक मेरे मामू का घर था उसके बिल्कुल सामने एक महफिल नात हो रही थी तो अम्मी ने कहा कि वहाँ जाके बैठो सारा दिन शरारतें करते हो वहाँ जाके बैठो तो कुछ सीखोगे तो गंदे कपड़े थे और चेहरा बिल्कुल अजीब सा तो वहाँ जाके महफिल में बैठ गए तो पता चला कि वो एक पटनी कम्युनिटी पटनी बेसिकली एक कास्ट है पाकिस्तान में तो वो पटनी कम्युनिटी का मुकाबला था और मैं मेहमान हूँ अलहमद तो वहाँ जा बैठ गया और मुकाबला हो रहा था तो मुकाबला अलहमदिल्ला ख़त्म हुआ तो कंपेयरर ने अनाउंस किया कि मुकाबला तो हो चुका है हाँ। लेकिन जजिस को दस मिनट चाहिए रिजल्ट बनाने के लिए हाँ। तो आप में से अगर कोई ऑडियंस में से कोई नात पढ़ना चाहे हाँ। ताकि ये जो हमारे दस मिनट हैं हाँ। ये हमारे जिक्र रसूल में गुजरे ना कि एक फारिक वक्त गुजरे तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया

इस तरह करते करते अलहमदिल्ला एक पहचान बनी आज अल्लाह पाक का करम है और आप भाइयों की दुआएँ हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ला उस रब ने बहुत नवाज़ा है मैं उस रब का बहुत शुक्रगुजार गुज़ार हूँ मेरे माँ बाप ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे इस हवाले से और बहुत करम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह ला अलहदा का मैं चाहूँगा कि वही नात जो पहली मरत पढ़ा था दो तीन अशर हमारे नाजिम के लिए बिल्कुल

कि मेरे दिल में बसी हो <coughs> एक ऐ काश में बन जाऊं मदीने तो का मुसाफिर फिर काश मैं बन जाऊं मदीने कामसाफिर फिर, फिर रो तिहु ते बारात चली हो फिर तिहुई ते बारात चली हो दो सो झे बिलला कमिले दर द्रज सर सरकार अता इश्क उसे करनी आमें, हो अतार हमारा है सरे हर्ष काश कास्ते शलघे बतहा से यही चेठ मिली हो माशन्या, माशन्या। हर वस्वर में सुबहानल्लाहान माशा नाजिन हम आपको बता दें कि इस वक्त आप एक मुलाकात प्रोग्राम देख रहे हैं <खँँगा> और आज एक मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए शना ख़ान मुस्तफ़ा सल्ला वसम हाफीज़ कमरान कदरी आइए अपने गुफ्तगु को जय रखते हैं हाफीज़ कमरान कादरी साहब बता रहे थे कि किस तरह आपने नातखानी के मैदान में कदम रखा जब आपको मौका दिया गया पढ़ने हाँ। के लिए इतफाक से आप ही को पहला इनाम मिला तो किस तरह ये ठीक है वो एक 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 तरह से एक वाक़ दरपेश हुआ और मैं समझता हूँ कि यहीं से एक रास्ता भी हमवार हुआ तो किस तरह आपको लगा कि हाँ ये नाथानी में मुझे मजीद इसमें ज्यादा हाँ। मेहनत करनी चाहिए आज वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक को अगर किसी चीज़ से नवाजना हो किसी इंसान को तो वो बस एक बहाना बनता है क्या बात है कोई सब वाक्य दरपेश हो जाता है कोई ऐसी बात आ जाती है कि बस इंसान को पता चल जाता है कि नो आई हैव टू गो इन दिस वे यहाँ मुझे जाना है तो जब वो इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद मुझे भी ऐसा फील हुआ कि <clears throat> क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो होती है अनवर भाई वो ये है कि जो अप्रिसन आपको मिलता है ना आ, एक आवाम की तरफ से वो एक बहुत ही इंस्पिरेशन आपके लिए होती है।, है एक बहुत ही बड़ा एक हौसला अफजाई होती है और बहुत सारी चीजें होती हैं तो वो जो अप्रिसन थी जो लोगों की वो जो एक एक जो पॉजिटिव जो एक मामला था आवाम की तरफ से वो बहुत कार हुआ मेरे लिए और वो उससे बहुत फायदा हुआ फिर उससे अलहमदुल्ला क्योंकि जब इंसान कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में पहली बार करता है तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है वो बहुत ज़्यादा एक शेकी फील करता है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो वाक़ था वहाँ तो मुझे कोई नर्वसनेस फील नहीं हुआ और उसके बाद जितने महाफिल में अलहमदिल्ला सिलसिला रहा कोई अलहमद ऐसा मामला नहीं था कि थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है दस, को दस लोगों के सामने भी पड़ा और दस हज़ार लोगों के सामने भी अलहद लाला ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है फिर दौर चलता रहा मस्जिदों में घरों में रोड्स पर स्ट्रीट्स में इस तरह महफिलों का आगाज़ चलता रहा करते 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 अलहमदिल्ला एक ऐसा मकाम आया कि जहाँ एक पहचान बनी तो लोग नाम से जानने लगे और महफिल्स में भी अलहमद फिर अच्छी खासी शिरकत होने लगी और अलहमद बहुत करम हुआ इस हवाले से हाफिज़ साहब आप बता रहे हैं कि अलहमदिल्ला वक्त के साथ एक वक्त ऐसा भी आया कि जब आपकी एक पहचान बनी जी तो मैं चाहूँगा कि किस कलाम के साथ आपकी वो पहचान बनी मैं चाहूँगा कि उस वो कलाम जो है हमारे नाज़िन के लिए दो जी वो कलाम से अलहमदिल्ला अनवर भाई बहुत ही बहुत ही ज़्यादा अल्लाह पाक ने इज्जतों से नवाजा और दुनिया के मैं कहता हूँ कि काफ़ी ममालिक से मुझे उस कलाम के अप्रिसशन के लिए लोगों ने किया मुझे कॉल्स किए मुझे मैसेजेस किए कि यह आपने कलाम बहुत अच्छा पढ़ा है और एक एक बड़ी अजीब सी बात है कि वो कहते हैं ना कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है तो इंसान क्या चीज़ है हाँ। तो उस कलाम में कोई ऐसा कॉन्टेक्ट का रास्ता नहीं था मुझे लोगों ने कहा बोला हजरत एक महीना हो गया मैं आपको ढूंढ रहा हूँ फेसबुक पे या एक महीना हो गया मैं आपको ढूंढ रहा हूँ यूट्यूब पे आज जाके आपकी आईडी मिली आज जाके आपका नंबर मिला कहीं यहाँ से रब्ता क्या वहाँ से हाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह भी लोगों ने कॉन्टेक्ट किया सिर्फ उस कलाम की बदौलत उस कलाम से अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़तों से नवाजा तो वो कलाम पेश करता हूँ समाज फरमाइए कोई मंसूर कोई उनके दरबार उनके दरबार से होकर जो सवाली, सवाली आए क्या बात है? माशारागा। माशारागा। उनके दरबार से होकर जो सवाली आए हो मेरे बस में तो मैं दिल में बसालों को हो मेरे बस में तो मैं दिल में बसाल को चूम कर जो चूम कर जो मेरे सर कारियाँ माशा बहुत रहमत को तो ये बात गवारा ही नहीं, नहीं। उनकी रहमत को तो ये बात गवारा ही नहीं कि उनकी चौखट पे कोई जाए तो तो खाली, खाली आए आ, दिश्च, दिश्च। क्या बात है माशाल्लाह की चौखट पे कोई जाए तो खाली आए उनके अलताफ करम बढ़ के खरीदेंगे उन्हें आज भी ले के कोई जो के बिना लिया उनके दरबार से होकर जो सवाली आए माशाल्लाह क्या बात है क्या बात है हफी साहब अल्हम्दुलिल्लाह नात आ, अपने आप में इतना आसान भी नहीं है आ, बहुत, बहुत मेहनत दरकार है बहुत काविशें होनी चाहिए तो आप आपकी मसूफियत के मद्दनज़र आप बता रहे हैं कि आप जेर तालीम भी हैं और अलहमदिल्ला आपकी जॉब भी है और नाथखानी के महाफिल रोज़ाना और इसके अलावा एक प्रोडक्शन हाउस जी तो किस तरह आप नाथानी के लिए किस तरह वक्त निकालते हैं हजरत बात सारी ये है कि बाकायदा मैंने किसी से नहीं सीखा हाँ। ना नाथ पढ़ना और प्रोडक्शन हवाले हाउस के हवाले से जो भी मामलात होते हैं ऑडियो हाँ। रिकॉर्डिंग्स के आ, वीडियो शूट के वीडियो एडिटिंग के हाँ। तो मैं और मेरा भाई अलहमदिल्ला हाँ। हम दोनों ने किसी से नहीं सीखा हाँ। बस ये कर्म की बातें हैं कि अल्लाह पाक को अगर किसी चीज़ से नवाजना होता है तो वो बस एक बहाना बनती है तो सुबह यूनिवर्सिटी होता है आठ बजे से बारह बजे तक Uh, मैं एम कर रहा हूँ अलहमद और उसके बाद बारह बजे के बाद मेरा ऑफिस होता है एप्पल स्टोर पर मैं जॉब करता हूँ अकाउंट्स की बारह से आठ साढ़े आठ तक उसके बाद फिर आधा पौना घंटा या एक घंटा स्टूडियो में देता हूँ उसके बाद फिर महफिल नाद का सिलसिला शुरू होता है दो घंटे तीन घंटे कभी कभार चार चार पाँच पाँच महफिल होती हैं एक एक दिन में तो वो दो बजे रात को तीन बजे फ्री होते हैं उसके बाद फिर दोबारा स्टूडियो आमद होती है स्टूडियो में जो रिकॉर्डिंग्स होती है उनकी मिक्सिंग वगैरह जो बाकी होती है वो देखते हैं वीडियो एडिटिंग जो बाकी होती है वो नहीं। नहीं। देखते हैं रिलीजिंग के मामला सोशल के मामला जितने भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो देखते हैं तो तकरीबन साढ़े तीन चार साढ़े चार बजते हैं साढ़े चार बजे चार बजे तकरीबन फजर की नमाज़ होती है नमाज़ पढ़ के फिर आराम होता है दो तीन घंटे चार घंटे काफ़ी वक्त गरीबन जानते हुए तो फिर सो जाते हैं इसके बाद वही अल्लाह ताला हिम्मत अदा करे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मसरूफियात कुछ इस तरह है कि खैर अच्छा आ, एक मुलाकात प्रोग्राम में अक्सर वेशतर हम जैसे कि मैंने कहा ज्यादातर शनाखा ही से हम मुलाकात करते हैं जी जी। और इनमें अब तक आ, ऐसी शनाखा हैं जो नातगो शायर भी हैं, जुनात लिखते भी हैं, अभी हाल ही में सर नक्शबंदी साहब का भी प्रोग्राम हुआ था मगर हाफिज साहब ये पहली मरतबा है कि हम एक ऐसी शनखा से मिल रहे मुलाकात करवाना अपने नाजरें का जी जी। कि जो नातखां भी हैं और जिनका एक प्रोडक्शन हाउस भी है अलमदिल्ला तो ये नातखानी और प्रोडक्शन हाउस ये किस तरह की ये प्रोडक्शन हाउस किस तरह वह गुमान में भी नहीं था बाुदा वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई ऐसा स्टूडियो होगा हमारा या कोई आ, ऐसा ज़रिया होगा कि जिसके ज़रिए क्योंकि इसमें एक छोटा सा एक टर्निंग पॉइंट ये है हाँ। कि जब मैं आ, कम उम्री में नात खानी शुरू की उस वक्त कोई था नहीं मुझे सपोर्ट करने के लिए अच्छा क्योंकि जाहिर सी बात है हर बंदे के अपने मामलात होते हैं लेकिन आई थिंक रब की तरफ से वो वक्त अच्छा नहीं होगा कह सकते हैं क्योंकि हर चीज़ में अल्लाह पाक की कोई ना कोई मसलियत होती है जी जी या एक दरवाज़ा बंद होता है तो रब की तरफ से सत्तर दरवाजे पहले से खुल जाते हैं बाहिर हमें लगता है कि ये काम ख़राब हो गया लेकिन इन फ्यूचर आगे जाके अलहमदिल्ला वो बेहतर हो जाता है तो प्रोडक्शन हाउस का कोई बहमो में नहीं था ना कभी सोचा था ना कभी किसी से सीखा था क्योंकि ये एक ऐसा होता है ना कि एक इंसान फ्री इंजीनियरिंग कर रहा है तो वो सडनली वो बायोलॉजी की तरफ आ जाएगा तो आई थिंक ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि दोनों डिफरेंट डिपार्टमेंट दोनों डिफरेंट एक दोनों अलग अलग आ, रास्ते हुँ। हैं हुँ। तो ये मामला था लेकिन एक छोटा सा वाक़ पेश आया मेरे ऑफिस में मेरा जो कुलीग है वो खड़ा हुआ था एक सॉफ्टवेयर खोल के तो मैंने कहा ये कौन सा सॉफ्टवेयर है तो कहता है इस पर रिकॉर्डिंग होती है तो मैंने कहा किस चीज की तो बोला कि जो आप रिकॉर्ड करना चाहो आवाज रिकॉर्ड करो या कोई भी ऐसी चीज़ तो वो मुझे थोड़ा सा कैची लगा तो वो मैंने सॉफ्टवेयर लिया घर जाके उस ऑन किया करते एक महीना मैंने उस उसमें मेहनत की कुछ वीडियोस मैंने ऑनलाइन भी चेक किया अपने आप कि जैसे क्योंकि बचपन से रिकॉर्डिंग्स करवाने जाते थे तो वहाँ देखते थे कि किस तरह होता है क्या है क्या नहीं है बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें तो uh, uh, वो उस पर मैंने स्टडी किया उस सॉफ्टवेयर को और uh, काफ़ी मतलब ऐसे था कि समझ लें कि चार चार पाँच पाँच घंटे कंटिन्यू बस उसी को स्टडी कर रहे हैं hmm. ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन इसे hmm. क्या होगा उससे hmm. क्या होगा करते 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 एक छोटा सा स्टूडियो बनाया घर में इक्विपमेंट्स बाय किए छोटा सा एक स्टूडियो रूम बनाया, hmm. hmm. studio, बनाया hmm. और अपनी रिकॉर्डिंग शुरू की सबसे पहले hmm. अपने आप पर मैंने सोचा कि तजर्बा करते हैं जी. बहरहाल वो अपने ऊपर किया फिर जब ऑनलाइन उसको डाला सोशल साइट्स पे हाँ। तो लोगों ने पसंद किया तो मेरे कुछ दोस्त यार थे उन्होंने कहा कि यार तुम अपनी कर रहे हो हमारी भी रिकॉर्डिंग करो जो नाथ खां थे उनकी की करते 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 पाँच छः महीने इसी तरह गुजरे हैं कोई जरिया मुआश नहीं था कोई उससे अर्निंग नहीं था वैसे ही मोहब्बत में अपनी कर रहे हैं दोस्तों की कर रहे हैं एक वक्त ऐसा आया कि प्रोफेशनली लोगों ने हमें कॉल किया कि यार हमें अपना एलबम रिकॉर्ड करना है तो आप कितने पैसे लेंगे क्या होगा किस अच्छा, तरह होगा तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि तरफ से ये कोई, ना कोई इनाम हासिल हो चुका है कि अच्छाई की तरफ जा रहा है फिर दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया कि तुम्हें करना चाहिए प्रोफेशनली क्योंकि तुम अच्छा काम कर रहे हो नात खानी तो चल ही रही है अलहमद लेकिन स्टूडियो के हवाले से बोला तुम ऐसा काम कर रहे हो कि वाकई में किबिल तारीफ़ है तो फिर हमने एक दूसरा स्टूडियो बनाया अच्छा पहला साल था रफी लेवल का मुझे याद है दो हजार चौदह में हमने सेवनटी थ्री पहले साल पहले साल पहले और सेवेंटी थ्री एल्बम्स का मतलब ये हो गया अनवर भाई मैं आपको ऐसे बताऊँगा कि एक एल्बम रिकॉर्ड करने के लिए कम से कम एक हफ्ता चाहिए ऑडियो वीडियो मिनिमम मिनिमम क्योंकि देखें अगर दस कलाम हैं या आठ कलाम हैं एक एल्बम में नाथ खां को कम से कम तीन शिफ्टे चाहिए तीन दिन चाहिए तीन दिन से मुराद के कंटिन्यू नहीं एक दिन फिर दो दिन छुट्टी या एक दिन छुट्टी फिर हाँ। अगले दिन एक शिफ्ट में तीन कलाम चार कलाम जैसे उसका गला चले जी। और रिकॉर्डिंग और महफिल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है जो हम महफिल में पढ़ते हैं वहाँ हर चीज़ चल जाती है रिकॉर्डिंग में आपको हर चीज़ का ख्याल करना पड़ता है टेम्पो का सुर बेसुरपन का जहाँ बेसुरा क्योंकि महफिल में पता नहीं चलता लेकिन रिकॉर्डिंग में जब वो चीज़ बाहर जाती है दुनिया में लोग जो काम समझते हैं जी जी जो सुनते हैं आ, तो सिर्फ है। नातखा का गला नहीं लगा हुआ हमारे स्टूडियो का नाम भी लगा हुआ है तो इस सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए तो एक हफ्ता तो इस तरह आप सोचे कि हमने सेवेंटी थ्री एल्बम्स रिकॉर्ड किए और इतनी मसरूफियात थी इतनी मसरूफियात थी कि एक ही घर में रहते थे लेकिन एक महीने तक अपने घर वालों का चेहरा नहीं देखा था ऑनेस्टली इतनी मसरूफियात घर से काम काम से घर और घर आते थे फ़ौरन स्टूडियो सारी रात वहीं बैठे हुए एक एक हफ़्ता नहीं सोए और वो जो मेहनत थी पहले साल की वो इतना करम हुआ अलहमद ला कि अल्लाह पाक ने इतना करम किया कि आज पाकिस्तान में एक मक़ाम अल्लाह पाक ने अ फरमा जिलानी स्टूडियो के नाम आगा। से आगा। और ये स्टूडियो का जो नाम हमने रखा था वो रखा था हजूर गौसल आजम की नस्बत से दस्तगीर का लकब है तो उस लकब की नस्बत से हमने नाम रखा अल्लाह पाक ने इज़्ज़तों से नवाजा बहुत दिया हमारी तो कोई औत नहीं है बाखुदा ये सब करम मेरे मुस्तफ़ा का मेरे हजूर का है और हज़ुर गौल आजम दस्तगीर का है कि उन्होंने अपने नाम के लाज रखते हैं माशाला और बहुत करम है अल्हम्दुलिल्लाह। हम्दुलिल्लाह। चौखट उनकी चौखट पे कोई जा तरह जैसे इवेंट्स आते रहते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ आवाम को देते रहें ताकि एक जो जो मकसद अव्वल है जो हमारा जो सबसे पहला मकसद है वो ये है कि आ, लोग बुरी चीज़ों से बचें और शनाखानी की तरफ आएं हज़ूर जिक्र की तरफ आएं क्योंकि जो आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें आ, दूसरे लोग भी निकालते हैं उनके अपने सीजन पर तो हम कोशिश करते हैं कि हम हर सीजन पे हमारी भी को आ, कोई ऐसी चीज़ निकालें ताकि जो कोई वहाँ उसका दिमाग डाइवर्ट हो गया है तो वहां से डाइवर्ट होकर हमारी तरफ डाइवर्ट हो जाए ताकि कंपटीशन कंपटीशन भी ना ना हो हो क्योंकि देखें, हर तो सना सना लेकिन हर इंसान का एक अपना मामला है हम किसी को बुरा नहीं बोल सकते क्योंकि इस्लाम हमें इस चीज़ की दावत नहीं देता आप किसी के मज़हब को बुरा नहीं बोल सकते आप किसी को गाली नहीं दे सकते आप किसी को गलत नहीं कह सकते किसी का मज़ब है वो उसका अपना है वो उस अपने मज़हब को फॉलो करता है वो अपने मज़ब की इज़्ज़त करता है हमें भी उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए ना कि उसको को ग़लत कहना चाहिए लेकिन इस्लाम जो हमें दावत देता है या इस्लाम जो हमें तालीम देता है तो हम तो उस हवाले से बात करेंगे हम अपने मज़हब के हवाले से बात करेंगे कि हम चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो नात खानी की तरफ़ आएँ नमाज़ की तरफ आएँ अच्छी इबादतों की तरफ आए ताकि दुनिया में भी इनशाला कामयाबी मिलेगी और हमारी आखिरत भी सवर इन्शाल जाएगी मुख्तरा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा <coughs> पहली मरत जी अलहमद से वसल्लम के शौक को आपने किस तरह पाया हादत मैं सबसे पहले तो मारस के लोगों की तारीफ़ करना चाहूँगा माशा अभी तक हमने आई थिंक पाँच या छः महफिलें पढ़ ली हैं और ऑनेस्टली यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं बहुत ही नफीस शख्सियत के हामिल हैं माशा बहुत मोहब्बत करते हैं और बहुत ही इज़्ज़त से नवाजते हैं माशाल्लाह, और जज्बा ऐसा है कि कराची में जहाँ हमें दस बार कह के आवाम से पढ़वाना पड़ता है यहाँ दो बार कहते हैं तो माशा वो मिल के पढ़ते हैं अल्ला ही अल्ला किया करो, किसी को दिया करो मालिक का, का मालिक है नाम उसी का लिया करो अल्लाह ही अल्लाह की याद करो दुख ना किसी को दिया करो जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह सारे बोलो अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह उसी का लिया करो अल्लाह ही अल्लाह किया करो दुख ना किसी को करो अरे जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का इनमें जज्बाई ईमानी है अल्लाह पाक इनके जज्बे को कायम उदायम सलामत रखें दारा इनकी खुशियाँ यहाँ के लोगों को अता फरमाए यहाँ के जो मुसलमान बसते हैं हमारे भाई हैं हमारी बहनें हैं जो हमारी जो माएँ हैं माशा क्योंकि आ, बहुत मोहब्बत करते हैं और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जजीरा मोरीशस इट्स सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह हम घूमने भी गए काफ़ी जगहों पे और बहुत ही खूबसूरत जगहें हैं माशाल्लाह आँखों को अच्छी लगती हैं अल्लाह पाक इस सरज़मीन को इसी तरह तदेर क़ायम उदायम सलामत रखें।, रखें हासिदों के हाँचत से बचाए बुरे लोगों की मेली नज़र से बचाए और इस मुल्क को इसी तरह शादोआबादा रखें और अल्हम्दुलिल्लाह ला अशरफ़ी अमीर भाई और उनके माशाल्लाह वालिद जनाब शाह मुतलब अल्लामा साहब थे माशाल्लाह माशा अब्दुलमतलब साहब आ, उनकी आ, याद में अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ प्रोग्राम सजा रहे हैं और उर्स उसे आजम दस्तगीर भी मना रहे हैं मुजफ्फ़र भाई का बहुत ही बड़ा सपोर्ट है अलहमदिल्ला यहाँ मुझे बुलवाने के लिए और बहुत सारे लोग भी मोहब्बत करते हैं आप भी मोहब्बत करते हैं माशाल्लाह हमारे अख्तर भाई हैं नहीं। नहीं। वो भी मोहब्बत करते हैं और इसी तरह हमारी बहन सिस्टर तबसुम हैं अम्मी आमिना हैं बहुत खूब हाफिज़ साहब बस यही दुआ है कि अल्लाह किज़त आपके इस दौरे मोरशस को फरमाए और जितने भी लोगों ने किसी ना किस तरह बराह रास्त और बिलास्ता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके इस टूर में मदद की अल्लाह उन सबको जजाय ख़ैरदा फरमाए अमीन बहुत शुक्रिया और जैसे ने मैंने कहा कि एक मुलाकात प्रोग्राम का मुकर्र वक्त अपने अख्तिताम को पहुंच रहा है एक बार फिर आपकी तशरीफ़ आवरी की बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया और मैं चाहूँगा हाफिज़ साहब के इस प्रोग्राम को हम अला अला हजरत के एक मनकबत से इन शख्त पजीर करें एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया तो नाजन कराम एक मुलाकात प्रोग्राम का मुकर्र वक्त अपने अख्तिताम को पहुँच रहा है उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम को आपने पसंद फरमाया हम आपको इशारा कर दें कि आज का ये प्रोग्राम एक मुलाकात में हम हमने आपकी मुलाकात करवाई पाकिस्तान के मरूफ शनाखा जनाब हाफिज कमरान क़री साहब से जिनकी खुशकुन आवाज़ में कलाम पाक की थे मुबारक और फिर नात पाक अलैहि वसल्लम तो समात करने और देखने का मौका हमें हासिल हुआ बस यही दुआ है कि लाह रबत हाफ़िज़ कमरान कदरी साहब को कदम कदम पर सहूलत आसानियाँ और कामयाबी और कामरानी अता फरमाए आमीन आमीन और इस शेर के साथ हम आपसे रुख़त की इजाज़त चाहेंगे कि रहे चमन तो फूल खेलेंगे रही ज़िंदगी तो इनशा फिर मिलेंगे अपनी दुआओं में हमें याद करना असल वरहमी वबरकू अ हजरत किस मनकबत से ये प्रोग्राम अख्ताम पसे हो जाएगा होशे आज़म जम्ब मने बेसरो सामा मददे दी मददे दे कब मददे वाह क्या मर तबाए है बाला तेरा वाह क्या मर तबाए है बाला तेरा ऊँचे ओचो के सरों से कदम आला तेरा सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा ओलियामल ते हैं आंखें वो है तलवा तेरा कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह है तेरा चाहने वाला तेरा फखरे आका मेरा जहा और बेक नज रफी चल खाला शना ख़ानों में चेहरा तेरा चल खा शना ख़ानों में चेहरा तेरा वाह क्या मर तब ए घोष है बाला तेरा ऊँचे ऊँचों सरों से कदमला तेरा